CZ-P09 Desert Firing Test. सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया. एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. ये जो CZ-P09 मॉडल है डेजर्ट में, ये हम आज इसका फायरिंग टेस्ट करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे इसका पावर कितना है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो है, इसमें आपको फ्लिप मैगजीन मिलती है, 8-8 राउंड की मैगजीन है, तो 16 राउंड आप कंसिडर कर सकते हैं. CO2 जो है इसके चैम्बर में लगती है, तो यहाँ पे जो है इसकी ग्रिप है, इसमें जो है CO2 जो है इसमें लग जाता है. सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. एंड नॉर्मल से स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ. ये जो है राइफल बैरल है, इस पर पैलेट्स और BBs दोनों लग जाते हैं. एक्सेसरीज रेल इस पर अवेलेबल है, मतलब अगर आपको जो है लेज़र अटैच करना है तो ये ऑप्शन जो है इस पर मिल जाएगा. ये लेज़र है बेसिकली, इसके साथ नहीं आता है. अगर आपको लेज़र चाहिए तो वो जो है आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं. एंड स्लाइड जो होगा वो मेटल का होगा. इस पर ब्लो बैक जो पार्ट है, ब्लैक वाला आप देख रहे होंगे, ये फुल मेटल का आता है. रियलिस्टिक है, 16 राउंड्स की है, थ्रेडेबल आउटलेट है. एंड बाकी और भी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे पावर वगैरह है, ABS मेटल है या फिर 3.7 जूल्स की है. सो ये सारे डिटेल्स इसके पीछे आपको मिल जाएंगे. बट इट्स अ फायरिंग वीडियो, तो मैं आपको डायरेक्ट फायर करके दिखाता हूँ. सो सबसे पहले इसकी जो है मैगजीन हमने निकाल ली है. बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पैलेट्स को या BBs को फिल करना. तो आपको फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जो है उन्होंने पिक्चर्स दिए हुए हैं पैलेट्स के, मतलब आपको जो है पैलेट यहाँ से इंस्टॉल करना है. इस तरफ से करेंगे तो आपकी मैगजीन डैमेज हो जाएगी. मेक श्योर BB या पैलेट कुछ भी हो, यहाँ से जो है आपको फिल करना है. सो ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसकी फायरिंग करने वाले हैं. मैं इसमें एक बात बताना भूल गया, इसको जो है ASG बनाती है. एंड ये जो है बेसिकली ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है. ASG जो है एक्चुअली वो दो जगह पे एस्टैब्लिश्ड है, एक ताइवान और एक जापान. सो यहाँ ये जो गन है एग्जैक्टली ये जापान में मैन्युफैक्चर होती है. सो चलिए अब इसको हम फायर करके दिखाते हैं. ये जो है मैनुअल मिलता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से एक बार आप जो है रीड कर लीजिएगा. सो ये इसकी मैगजीन है, मैंने आपको बताया जहाँ पे इसका पिक्चर है बना हुआ है. इस तरफ से आपको जो है लोड करना, अगर उल्टे तरफ से करेंगे तो मैगजीन ख़राब हो जाएगी. सो एक तरफ से जो है मैं पैलेट लोड कर रहा हूँ और दूसरी तरफ से जो होगा मैं BBs लोड करूँगा. सो ये मैंने पैलेट लोड कर रहा हूँ. मेक श्योर कीजिए फ्लैटेड पार्ट जो होगा वो आगे की तरफ हो. और ये लोड हो गया. दूसरी तरफ से जो है BBs लगाना है आपको. एक एक BBs लेके आप अंदर की तरफ डालते जाइए. ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली जो है खुद को सेट कर लेता है, तो इतना झंझट नहीं है. और ये आखिरी राउंड 8. सो सबसे पहले हम BBs फायर करते हैं. इसको ऐसे रख के आप जो है पीछे की तरफ, एक्चुअली इसको करना है. सो ये आपने लगाया. और जो CO2 है ये यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है. तो इस पर जो है एलेंकी नहीं आती, इसमें ये जो चीज़ है इनबिल्ड है. सो पहले इसको जो है नीचे कर लेते हैं. एंड ये इसका CO2 है. सो ये 12 ग्राम CO2 एंड ये पेलगन ऑयल. ये अल्टरनेट आपको यूज़ करना है, हर CO2 पे नहीं डालना है. पहले पे डाला आपने, दूसरे पे नहीं डालना है, तीसरे पे डाल के चौथे पे डालना नहीं है और पांचवे पे डालना है. ये आपने लगाया और इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाइए. यहाँ तक ये टच हो गया. जैसे आप इसको घुमाएंगे हल्की सी आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आई और ये पियर्स हो गया. अब हम इसका जो है ये लग गया और सामने आप टारगेट देख सकते हैं. अब इस पे जो है फ्रंट और रियर साइड है, थ्रू दिस आप जो है एमिंग कीजिए. और फायर कीजिए. सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप ग्रिपिंग जो है ज़रूर बना के रखें. हल्के हाथों से पकड़ेंगे तो गन छूट सकती है. 3, 4, 5 6, 7, 8 ये 8 राउंड फायर कर लिए. फिर भी अपने जो है कन्वीनियंट के हिसाब से एक और मैंने फायर कर लिया और इस तरफ से सारे राउंड जो है वो फायर हो चुके हैं. अब हम पैलेट फायर करते हैं. सो ये गया अंदर. दो, 3, 4, 5, 6, 7
ये सारे फायर हो गए। सो देख सकते हैं मैंने 16 राउंड्स फायर करे हैं और जहाँ जहाँ वीपीस लगे उसके थोड़े से इम्पैक्ट है, बाकी जहाँ पे पैलेट लगा हुआ है बहुत ज़्यादा डैमेज किया है इसने। सो बहुत अच्छी गन है। सो इसको कैसे अनइंस्टॉल करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैगजीन निकाल लीजिए, ये आपने ओपन करना है एंड ये ऑलरेडी फायरिंग पे ही है, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं मतलब एक बार जो है इसको पीछे से पकड़ के रखिए और ये आपने ट्रिगर करा और धीरे से इसको आगे लेके जाके टच करना है। सो ये आपने करना है और एंटी क्लॉक जैसे आप घुमाएंगे मेक श्योर कीजिए किसी के फेस की तरफ ना हो, और जैसे आप खोलेंगे सारा सी ओ टू जो है एक साथ बाहर आ जाएगा। और ये आपने सी ओ टू निकाल लिया। कोशिश कीजिएगा सी ओ टू को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंदर गन में 2 ही दिन रखिए, उससे ज़्यादा रखेंगे तो गन में जो है इश्यूज आ सकते हैं लीकेजिंग के। अगर वैसा कुछ इश्यूज आता है तो आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी टीम जो है उसके रिगार्डिंग आपको पूरी तरीके से हेल्प कर देगी। सो ये थी गाइस CZ-P09 की फायरिंग टेस्ट। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं हम किसी और नई गन की हम फायरिंग टेस्ट लेकर आएँ तो उसका जो है नाम आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं इसके लिए। सो इसमें जो है मैंने जैसे पहले आपको बताया था ये लेज़र है, ये अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जो है इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बीबीज का जो है कॉम्बो अवेलेबल है, जनरली आप ऐसे छोटे बॉक्स ऑर्डर करते हो तो काफ़ी मतलब हायर प्राइस पे आपको मिलता है, बट अगर आप डायरेक्ट ऐसे कॉम्बो ऑर्डर करते हैं तो ये काफ़ी सस्ते में आपको पड़ जाता है। यहाँ पे जो है 3 कलर के ऑप्शंस जो है कवर के अवेलेबल हैं, आपको जो भी कवर का कलर का ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है वो आप जो कवर है आप ऑर्डर कर सकते हैं। गन केस आप ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज इसके साथ नॉर्मली ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, सो आई रिकमेंड कि आप जो है ये गन केस ऑर्डर कर लीजिए, उससे गन जो होगी स्क्रैचेस से बची रहेगी और आप लाइफ लॉन्ग इसको जो है यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बिना लाइसेंस में सकते हैं। सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन फ्यूचर आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएगा क्योंकि हम कोई भी मिसयूज नहीं करते हैं। एंड इसको अगर आप ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है क्लिक करना है, वेबसाइट से जाकर के आप बाय नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इफ ऑर्डर प्लेस करने में आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है, आपको स्क्रीन पे कॉलिंग नंबर एंड आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप दोनों पे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं आपको जो है वेबसाइट पे कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप हमें कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करना है, हमारी तरफ से जो कॉल होती है वो आ जाती है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@airsoftgunindia.com या airsoftgunindia@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ की अपडेट है वो आपको मिल जाए। सो टिल देन गाइस हैव फन।